ओके, लास्ट टाइम एक शीट कर रहे थे, हैंड रिटन शीट नंबर 29। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अपने पुरानी शीट ओपन करें, हैंड रिटन शीट नंबर 29 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इस शीट के अंदर हमने ये पहला पेज कर लिया था। इस शीट में हमने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट किया, लास्ट टाइम कनेक्टेड मोशन की, और हमने ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स को निकाला। आज हमने शुरू करना है इस एग्जाम्पल से, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है और नीचे ब्लॉक है और हमें टेंशन निकालनी है। देखो कैसे, इसे ओपन करो प्लीज। देखो, क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, नीचे ब्लॉक 5 kg का लगा हुआ है। तो ये तो एटलीस्ट हर कोई मानता है कि रस्सी टाइट हो जाएगी। रस्सी टाइट हो जाएगी। रस्सी टाइट क्यों होगी? क्योंकि नीचे वेट लगा हुआ है। बोलो कितना वेट लगा हुआ है? 5 times g लगा हुआ है। 5 into g का मतलब 5 into 10, मतलब कि 50 N का वेट लगा हुआ है। कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? यहां तक स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग में क्या जाएगी? टेंशन। टेंशन पेयर में एक्ट करती है। तो चलो ठीक, ये 5 kg इसे अपनी तरफ खींचेगा विद टी, और ये इसे खींचेगा विद टी। तो टेंशन पेयर में TNT। कोई डाउट इसमें? ये भी स्टेप क्लियर है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 5 kg का, 5 kg ब्लॉक के ऊपर की तरफ टी और नीचे की तरफ कितना? 5g या 50 N। चलो 50 N, ये बताओ कि 5 kg का ब्लॉक मूव कहां कर रहा है? ऊपर नीचे कहां? कि रेस्ट पे लटका हुआ है? तो रेस्ट पे ही है बेचारा, मैंने तो कहा ही नहीं मूव कर रहा है, रेस्ट पे ही है। तो ना ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब ना ऊपर की फोर्स बढ़ी, ना नीचे की फोर्स बढ़ी, यानी कि ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो इसका मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू कितना? 50 N। कोई डाउट इसमें? तो टेंशन की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? 50 N आ गई। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो अब क्वेश्चन आएगा कि 5 kg का ब्लॉक है, 5g, तो बोलो टेंशन कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? 50 N या 5g, आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर ये बताओ, टेंशन यहां निकालें, यहां निकालें, या यहां निकालें? रस्सी तो टाइट है, ऑब्वियसली फोर्स तो हर जगह ही होगी, तो टेंशन की वैल्यू हर जगह क्या होगी? 50 N, यानी कि 5g ही होगी। लेकिन मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मेरे क्वेश्चन में, अब अगले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसका मास मैंने कंसिडर किया। इसका मास कितना है? 5। इसका जो ब्लॉक है 5 kg, लेकिन जो मैंने स्ट्रिंग ली, ये स्ट्रिंग देख रहे हो, ये थोड़ी मोटी रस्सी ली और इस पूरी रस्सी का मास कंसिडर किया। जबकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमने कभी भी स्ट्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया। अब हम स्ट्रिंग का मास कंसिडर कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग का मास ले रहे हैं। करें स्टार्ट। तो अगर आपने स्ट्रिंग का मास लेना है, तो स्ट्रिंग का मास अगर कंसिडर किया, तो अगर मैंने आपसे ये पूछा, देखो इसका वेट तो नो डाउट 5 into g एड करेगा ही करेगा। मैंने आपसे ये पूछा, बोलो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी है? तो उस केस में टेंशन एग्जिस्ट कर क्यों रही है, पहले ये बताओ। बिकॉज ऑफ वेट, नीचे वेट है तो टेंशन है। आपको ऐसा ही लगता कि अगर मैं वेट 5g की जगह 8g लगा दूंगा तो टेंशन 8g हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 8g की जगह 100g लगा दूंगा तो टेंशन और बढ़ जाएगी। जितना वेट मैं नीचे डालता जाऊंगा, टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं ये पूछूं, बताओ यहां पर टेंशन कितनी है, तो यहां का की जो टेंशन होगी वो इस रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, ऑब्वियसली यही होगा। और अगर यहां पर टेंशन निकालनी है तो इस रस्सी का वेट जो नीचे एग्जिस्ट करती है, ऊपर नहीं, वेट नीचे की तरफ होता है, तो इस पॉइंट के नीचे की रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट। और अगर मैं कहूं यहां टेंशन निकालो तो पूरी रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट। क्लियर है यहां तक? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक चीज नोट करो, जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर देखी जाएगी? एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सही है।
रस्सी टूटने का डर हमेशा कहां से एट, आप लूज बांध दो देखो वहीं से निकल जाएगी फटाफट, और टूटेगी भी ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा जोर वहीं पड़ रहा है तो वहीं से टूटेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। और अगर रस्सी का वेट ना लिया जाए और मैं पूछूं यहां टेंशन कितना है, तो ऑब्वियसली रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, रस्सी का वेट तो लेने को मना किया तो सिर्फ ब्लॉक का वेट जो कि कितना 5G। फिर मैं यहां कहूंगा यहां टेंशन कितना है, आप कहोगे रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, पर रस्सी का वेट मना किया तो सिर्फ ब्लॉक का वेट। तो एक डिफरेंस नोट किया, अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है तो टेंशन में हमेशा सेम लेता हूं, पूरी स्ट्रिंग में जहां मर्जी ले लो टेंशन सेम आएगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का मास नहीं लेना। पर जब स्ट्रिंग का मास लेना है फिर टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होती जाएगी, टेंशन सबसे कम यहां पे होगी, ऊपर जाते जाते हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम आएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो टेंशन निकालें। तो जैसे मेरे इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन कहां निकालनी है, इस पॉइंट की टेंशन निकालनी है, तो यहां पे जो टेंशन होगी वो इस रस्सी का वेट प्लस 5G का वेट, 5 kg का वेट। अब इस रस्सी का वेट निकालने के लिए इसका मास निकालना पड़ेगा नीचे वाले पोर्शन का। क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्ट्रिंग पूरी रस्सी का मास कितना है 10 kg, पूरी रस्सी की लेंथ कितनी है 10 meter, और आपको ये भी गिवन है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ये नहीं कहेगा कि यहां पर मास ज्यादा यहां पर कम, रस्सी पतली है मोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में काम करते हैं हम, इतने पोर्शन का मास निकालते हैं। कैसे निकलेगा? अगर टोटल रस्सी 10 मीटर की है तो टोटल मास कितना है 10 kg, 1 मीटर के हिसाब से 10/10 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिटरी मेथड की तरह लगा रहा हूं मैं, और रस्सी का वेट की लेंथ कितनी है यहां से यहां 8 मीटर, तो 8 मीटर के हिसाब से क्या हुआ 8 kg, kg कर लो या g कर लो, kg। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि ये जो स्ट्रिंग इस पॉइंट के नीचे है वो 8 kg की है, तो टोटल टेंशन यहां पर क्या होगी, इस स्ट्रिंग का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, स्ट्रिंग का वेट कितना है 8g, 8 kg का 8g, और ब्लॉक का वेट कितना है 5 kg का 5g, तो कुल मिला के कितना हुआ 13g। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो टेंशन निकाल लोगे, तो टेंशन की वैल्यू अगर मैं ये कहूं कि यहां निकालो तो बोलो क्या होगी, पूरी रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, पूरी रस्सी का वेट कितना है 10 kg, को जी से मल्टीप्लाई करेंगे 10g प्लस 5g 15g, आंसर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। मैंने क्वेश्चन चेंज किया और क्वेश्चन के अंदर मैंने ये कहा कि इस पूरे सिस्टम को मैं ऊपर उठा के लेके जा रहा हूं, ठीक, पहले तो रेस्ट पे था, इस बार उठा के लेके जा रहा हूं, सच दैट इसका वेट 5g नीचे, और इस स्ट्रिंग का मास नहीं लिया मैंने, तो स्ट्रिंग का मास नहीं लिया तो क्लियर हो गया, तो टेंशन हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम जहां मर्जी लगा लो, तो टेंशन की वैल्यू सेम है। और जब ये ऊपर जा रहा है तो ये 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो आप सर्कल बना सकते हो यहां पर टी और 5g का, यहां पे सर्कल बना लो, क्योंकि नॉर्मली नहीं तो अलग डायग्राम बनाना पड़ता है। ये 5 kg है, ये टी है और ये 5g है, और ये कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s का स्क्वायर। तो ऊपर जाते हुए कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टी बड़ा होगा कि 5g बड़ा होगा? टी बड़ा होगा, तो नेट फोर्स बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी माइनस 5g इज इक्वल टू 5 × a, तो ये इक्वेशन हो गई, टी माइनस 5g इज 5a, a की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड, तो न्यूटन में टेंशन आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? टेंशन की वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम से पहले रादर एक और क्वेश्चन करो आप सॉल्व, तब मैं मानूंगा कि आपको स्ट्रिंग के अगर मास गिवन है तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन है, सपोज एक ब्लॉक है, लेट अस सपोज 10 kg का, ये स्ट्रिंग है, एक और ब्लॉक है 15 kg का, 100 N की फोर्स है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास 10 kg है एंड लेंथ 10 meter है, आपको 4 m पे टेंशन निकालनी है, यहां पर क्या होगी? देखो हमने कनेक्टेड मोशन किए थे, कनेक्टेड मोशन में हमने स्ट्रिंग लिया, पर हमने मासलेस स्ट्रिंग लिया, पतला स्ट्रिंग लिया, थिन
मास तो लिया ही नहीं, तो टेंशन हर पॉइंट पर सेम होती थी, पर मैंने इस बार स्ट्रिंग कुछ ज़्यादा ही मोटी लगा दी, इतनी बड़ी स्ट्रिंग है और जिसका मास है और जिसकी लेंथ भी है, आपको इस पॉइंट पर टेंशन निकालने हैं। टोटल लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर की 10 केजी, ये 4 मीटर पे टेंशन निकालनी है आपको, क्या होगी? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एक पॉइंट है, स्ट्रिंग का मास इसमें है तो टेंशन हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज। हमें 4 मीटर पे बोला गया, तो एक काम करते हैं, 4 मीटर पे इस रस्सी का पहले मास निकाल लेते हैं। हमें पता है कि अगर रस्सी 10 मीटर की है तो 10 केजी का मास है, 1 है तो 10/10 है, और अगर 4 मीटर है तो फिर 10/10 × 4 पता लग ही रहा है कितना है, 4 केजी का है। तो ये 4 केजी है, तो ऑब्वियसली ये कितना है, ये 6 केजी है। ठीक है आज तक? तो इस टाइप की प्रॉब्लम में जब ये बीच में टेंशन निकालनी होती है, तो इसको ना ऐसे लिया जाए जैसे आपने पिछली बार आपने वो कॉन्टैक्ट फोर्स निकाली थी, याद है, 2 ब्लॉक्स के बीच में हमने क्वेश्चन किए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के, कितने लोगों ने रिवाइज किया पिछला लेक्चर वैसे? हाँ, तो ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ में आई होंगी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ नहीं है, देखो टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे? आप इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए कि ये एक ही ब्लॉक है, 10 और 6, 10+6 16 केजी का, और ये दूसरा ब्लॉक है कितना, 15 और 4 19 केजी का। तो ये जैसे सपोज ये डायग्राम ऐसा बन जाता है, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, अलग अलग कर लिया इसे एक जैसा, तो ये 10+6 कितना, 16 केजी का, और ये कितना, 19 केजी का। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली ये भी सिस्टम एक्सेलरेट करेंगे दोनों के दोनों, ये भी क्लियर है यहां तक। अब ये 16 केजी का ब्लॉक और ये 19 केजी का ब्लॉक कहां मूव करेंगे, टुवर्ड्स राइट। मुझे एक बात बताओ, ये जो टुकड़ा है 16 केजी का कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। इसको फोर्स कहां मिलनी चाहिए, टुवर्ड्स राइट, तभी आगे मूव करेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इस पूरे 16 केजी को राइट की तरफ फोर्स मिली टी, तो
इस 19 केजी को ऑपोजिशन मिला टी, ऑपोजिशन का मतलब ये इस कॉन्टैक्ट पे दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। है तो फोर्स ही, पर नाम चेंज किया, बस नाम क्या चेंज कर दिया इसमें, टेंशन। तो है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट एग्जिस्ट करती है। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो मुझे समझ में आ रहा है कि 16 केजी का जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और ऑब्वियसली इसको आगे मूव करवाने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन होगी इसमें, टेंशन। तो टेंशन इसको आगे लेके जा रही है, क्योंकि हमने 100 न्यूटन की फोर्स तो इसके ऊपर लगाई, 100 न्यूटन की फोर्स इसको आगे लेके जा रही है, इसको टी लेके जा रहा है, पर टी इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये देखो कि 19 केजी के ब्लॉक को ऑपोजिशन मिलेगी किसकी वजह से, 16 केजी को खींचना पड़ रहा है, तो 16 केजी का ब्लॉक अगेन टेंशन टी, तो टेंशन पेयर में लगाई मैंने, तो एक टेंशन का वेक्टर इसको मिला, एक इसको मिला, क्योंकि राइट जा रहा था तो इसको तो राइट ही मिलना था, और इसको ऑपोजिशन मिलने वाली है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये इसे पुल कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगी, टेंशन टी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा चलो टेंशन को छोड़ो, कॉन्टैक्ट फोर्स याद है? अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल दो। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या करते हैं, एफ एंड एफ लगाते हैं बीच में, वही लगाया एफ एंड एफ आपके सामने, यहाँ पे टी एन टी बोल दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम टी बोल दिया, तो टी एन टी इक्वल एंड ऑपोजिट लगाया, एक टी इसको मिला, एक टी इसको मिला, सेम चीज है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पिछला जो हमने केस किया था जिसमें ब्लॉक के अंदर हम क्या निकालते थे, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये इसके असाइनमेंट के ऊपर आप चेक कर सकते हो। जैसे दो ब्लॉक्स के केसेस हमने किए थे, ये रहे दो ब्लॉक्स हैं, इसमें क्या किया था, कॉन्टैक्ट फोर्स, और अगर ये रस्सी होगी, ये रस्सी के दो पीस होंगे, तो इसको क्या बोल देंगे फोर्स को, टेंशन। बात तो एक ही है, एफ एफ की बजाय टी एन टी कर लो। अब जैसे इसमें 10 केजी को फोर्स ऑफ अपोजिशन यहाँ से एफ मिल रही है, और क्योंकि 5 केजी राइट मूव कर रहा है, तो उसको कौन मूव करवा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर है कि एक टेंशन इसको आगे लेके जा रही है, तो दूसरा वेक्टर इसको मिलेगा टी एन टी। अब क्योंकि ये वाला पीस आगे जा रहा है, तो आगे की फोर्स पीछे की फोर्स से बड़ी होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। और ये भी राइट जा रहा है, तो t इज इक्वल टू 16 इनटू a, इक्वेशन नंबर 2। इन्हें ऐड करेंगे तो टी एन टी क्या हो जाएगा, कैंसल। 100 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 35a, a की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 35 आ गई, और फिर इस a को यहां पे पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू आएगी 16 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 35 न्यूटन आंसर। बस कुछ नहीं करना आपने इस केस में, क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल देनी है, दैट्स इट। कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया तो आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नोट कर सकते हो करना है तो।
देखो नेक्स्ट केस करते हैं।